Hello everyone, welcome back to my channel. Let's see you find my Sajika. So, हम बहुत दिनों के बाद adoption की series में आए हैं. आजकल थोड़े से और अलग अलग videos लाने की कोशिश कर रही हूँ. आई होप आप लोग वो एंजॉय कर रहे हो. स्नेह रिसोर्ट के वीडियो को काफी अच्छे व्यूज आए, इसलिए थैंक यू सो मच. सो आज हम एडॉप्शन की सीरीज में क्या देखने वाले हैं, बहुत सारे नए अपडेट्स आए हैं. ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है. तो न्यू रजिस्टरिंग पेरेंट्स के लिए एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड पेरेंट्स के लिए कुछ न्यू अपडेट्स हैं, तो वो हम एक साथ ही देख लेंगे. ओके ओके, सो फर्स्ट अपडेट क्या है, जब हम ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करते हैं, मतलब न्यू पेरेंट्स के लिए है ये, तो आपके लिए कुछ चेंजेस ऐसे हुए हैं कि वहाँ पे देखिए, अब आईडी टाइप, तब पहले जब हम फॉर्म फिल कर रहे होते थे तब हमें आईडी मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड ऐसा कुछ भी सबमिट नहीं करना पड़ता था, वो हम डॉक्यूमेंट्स जब सबमिट करते थे तब करते थे. लेकिन अब जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो, आपको तभी आईडी प्रूफ देना है. तो उस आईडी प्रूफ में क्या क्या हो सकता है, तो जब आप ये आईडी टाइप का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड बर्थ सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक आपको सिलेक्ट करना है. और फिर वहाँ पे जो सिलेक्ट किया है उसी का आईडी नंबर आपको डालना है. और नीचे जो चूज फाइल है वहाँ पे जाके आपको फाइल आपके गैलरी में से सिलेक्ट करके अपलोड करनी है. सो इन पांचों में से कोई भी एक आपको सिलेक्ट करना है वहाँ पे, और वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करना है. उस पीडीएफ फाइल की साइज होगी लेस देन 512 KB. ओके, और नई क्या अपडेट आई है, हम जब फॉर्म फिल करते हैं तो हम पहले 3 states या फिर ऑल ओवर इंडिया ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट करते थे. अब या तो आपका होम टाउन जो स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको जोन, रीजन वो सिलेक्ट करना है. आपके स्टेट के अकॉर्डिंगली आपको रीजन दिखेंगे. तो उनमें कौन कौन से रीजन है, ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, नॉर्थ रीजन एंड सेंट्रल रीजन. मतलब वहां पे आपको एक ही रीजन का ऑप्शन आएगा, ऐसे नहीं कि इनमें से आप एक रीजन नहीं सिलेक्ट कर सकते. तो ईस्टर्न रीजन के अंदर आएंगे बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल. वेस्टर्न जोन के अंदर आएंगे गोवा, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड महाराष्ट्र. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर आएंगे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. साउथर्न रीजन के अंदर आएंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना. नॉर्थ रीजन के अंदर आएंगे चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान एंड लद्दाख. सेंट्रल रीजन के अंदर आएंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड. तो मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा, इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग ओनली योर रीजनल स्टेट, मतलब आपका जो स्टेट है, जैसे कि मैं महाराष्ट्र को बिलोंग करती हूँ, तो आपको दो ही ऑप्शन है, या तो आपको स्टेट सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आएगा सिर्फ महाराष्ट्र, या फिर आप ये जोन सिलेक्शन कर सकते हो. तो जोन सिलेक्शन के अंदर जाइए, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे स्टेट्स आ जाते हैं. लैंग्वेज इशू एंड अदर इशूज आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ओपन हो उन सभी इश्यूज को फेस करने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज के लिए आप ट्यूटर लगा सकते हो आपके खुद के लिए और बच्चे के लिए भी, तो वो सारे इश्यूज नहीं है, वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व हो जाते हैं. ओके, ये जो नेक्स्ट अपडेट है ये बहुत पहले हो चुका है, आप में से बहुत लोगों को ये पता भी होगा. HSR रीवैलिडेशन, मतलब पहले वेटिंग पीरियड सिर्फ 3 years का था, अब वेटिंग पीरियड ओवर 3 years हो गया है. तो 3 years कंप्लीट होने के बाद आपको आपका जो होम स्टडी रिपोर्ट है वो रीवैलिडेट करके लेना होता है, क्योंकि जो हमने होम स्टडी रिपोर्ट सबमिट किया है उसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 साल की है, इसलिए हमें वो फिर से रीवैलिडेट करा के लेना ही होता है. कारा की तरफ से आपको वैसे मेल आएगा ही, नहीं भी आया तो भी आपको पता है आपके 3 years कब कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपको खुद से आपकी HSR एजेंसी को कॉल करना है एंड उनको बोलना है कि HSR रीवैलिडेशन की प्रोसीजर हमें समझा दीजिए. वो आपको डिटेल में समझाएंगे, बहुत छोटी सी प्रोसीजर है, पूरा हमने जब होम स्टडी किया था वैसी की वैसी नहीं है, थोड़े कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इस प्रोसीजर में. ओके, तो क्या करेंगे वो HSR रीवैलिडेशन में
आपका एड्रेस वेरीफाई करेंगे, आपकी हेल्थ स्टेटस वेरीफाई करेंगे एंड आपका फाइनेंशियल स्टेटस वेरीफाई करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप उन्हीं से मांगिए। मैं चाहे जो भी बोलूँ, हर एजेंसी का रूल अलग होता है, तो मेरे बोलने से फिर क्या हो जाता है, लोगों को लगता है सिर्फ इतने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो हमारी एजेंसी ने ज़्यादा क्यों मांग लिए। इसलिए मैं ऐसे परफेक्ट एंड प्रेफरेंस नहीं देती कि यही डॉक्यूमेंट लगेंगे। ओके, तो ये HSR रिवैलिडेट करने के बाद वेटिंग लिस्ट में आपका जो नंबर है उस पर कोई असर नहीं होता। अगर आपने रिवैलिडेट नहीं कराया तो आपका नंबर वहीं पर स्टक हो जाएगा और बाद में शायद आप जीरो पे भी आ सकते हो। ओके, लेकिन अगर आपने HSR रिवैलिडेट करा भी लिया, इन शॉर्ट आपका 3 ईयर्स में नंबर 100 तक आया है या 200 तक आया है, तो आपका नंबर वही रहेगा और उससे आगे जाता जाएगा। आपका HSR जब रिवैलिडेट हो जाएगा, कारा को जब न्यू HSR सबमिट हो जाएगा, आपका वेटिंग लिस्ट नंबर आगे जाता जाएगा। आपका जो एज है वो आपने जब अपने डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के वक्त आपका जो एज था वही कंसिडर किया जाएगा आपका रेफरल आने के लिए। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा हो सकता है कि वो 89 या 90 के टोटल में आते होंगे 3 ईयर्स के पहले, लेकिन 3 साल के बाद वो 90 क्रॉस करके गए हैं टोटल में। ओके, तो उनको ऐसे डर लग सकता है कि क्या हमें 0 to 2 ईयर का बेबी नहीं मिलेगा, हमें अबाउट 2 ईयर का ही देंगे। तो वो आपको कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 100% 0 to 2 ईयर का ही आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको फिर भी कंसिडर किया जाएगा अगर रेफरेंस आपके हिसाब से अवेलेबल होगा तो। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, मैंने एक बार यूट्यूब में कमेंट के नीचे डाला था कि मैं आजकल बिजी हूँ काउंसलिंग, प्री एंड पोस्ट अडॉप्टिव पेरेंट्स के काउंसलिंग सेशंस लेने में। तो बहुत लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि काउंसलिंग मतलब क्या करते हो आप। तो मैं ये पहले नहीं करती थी, मुझे ऐसे लगता था मैं तो वीडियोस बना रही हूँ और वीडियोस में सारी मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मेरी तरफ से मैं 100% देती हूँ, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा के नहीं रखती। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि क्यों मैं काउंसलिंग करूँ, मैं सब कुछ दे ही तो रही हूँ वहाँ पे, और एक बार अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो बहुत पेरेंट्स आ जाएंगे और इसको मना कर सकती हूँ फिर। तो इसलिए मैं नहीं आ रही थी काउंसलिंग के तरफ। और फिर उसी बीच आया एक फैमिली की तरफ से जेन्युइन रिक्वेस्ट थी उन मम्मी की, उनके बेबी को जस्ट फ्यू मंथ्स बैक ही पता चला कि वो अडॉप्टेड है, टीनेजर है वो लड़की। तो उनके मम्मी की इच्छा थी कि मैं उनसे पर्सनली बात करूं। तो ऑन कॉल नहीं हो सकता ये, क्योंकि आपके भी सेफ्टी का इशू आता है, मेरी भी सेफ्टी का इशू आता है, ऑन कॉल नहीं हो पाता मैनेज। तो फिर उन्हीं ने मुझे सजेस्ट किया कि हम जूम पे मिलेंगे तो आपको कोई दिक्कत है क्या। तो मुझे ऐसा हुआ ना, जहाँ बच्चों की बात आती है मैं नहीं टाल पाई। ओके, तो उस लड़की से मैंने बात करी, उस बच्चे से मैंने बात करी, तो मुझे तब जाके रियलाइज हुआ कि नहीं, रादर देन यूट्यूब वीडियोस बहुत लोगों को जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर थ्रू, मतलब चिट चैट थ्रू नहीं उनको हो पा रहा है, समझ में कुछ नहीं आ पा रहा है, तो उनके लिए इट्स ओके जो खुद से पूछते हैं काउंसलिंग सेशन क्या आप दे सकते हो, सिर्फ उन्हीं के लिए मैंने ये ओपन रखा है काउंसलिंग सेशन। तो इसलिए अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि अब तक मैंने कौन कौन से पेरेंट्स के काउंसलिंग सेशंस लिए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स जिनके फैमिली मेंबर्स एग्री नहीं हो रहे हैं, तो एक ही फैमिली ऐसी थी जिनके मैंने फैमिली मेंबर से बात करी, अदरवाइज फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हस्बैंड एंड वाइफ और मैं, हम तीनों ही से जूम में 45 मिनट्स का सेशन रहता है, उसमें उनके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स मैं दे देती हूँ। जिनके फैमिली मेंबर्स नहीं एग्री हो रहे वो पूछ सकते हैं, जिनके बच्चों को अभी पता चला है कि वो अडॉप्टेड है, अगर वो आपकी बात समझ गए हैं एंड अगर वो स्टेबल है तो इट्स ओके, इट्स नॉट नीडेड। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स फिर भी चाह रहे हैं कि आप फिर भी उनसे बात करके देखो, मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे समझ लेते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो वॉयलेंट हो जाते हैं। सो अगर कोई बच्चे समझ ही नहीं पा रहा है कि ये सिचुएशन कैसे मैं हैंडल करूँ, इस चीज़ को मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ, तो उनके पेरेंट्स मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप न्यू कपल हो, आपको एडॉप्शन के लिए रजिस्टर करना है, लेकिन आपको आगे के जो जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके बारे में आपको क्लियरली सलाह चाहिए, आपको क्लियरली कुछ मुझसे सजेशंस चाहिए, तो उनके रिगार्डिंग वो लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। सो इसलिए इसके अलावा आपके जो जो इश्यूज होंगे, अगर आपके इश्यूज जेन्युइन हैं, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे ईमेल कीजिए
फिर मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ये कंपल्शन बिल्कुल भी नहीं है। बस हो क्या रहा है, बहुत सारे HSR एजेंसी के जो सोशल वर्कर्स है वो पेरेंट्स के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, इसलिए पेरेंट्स के मन में जो जो क्वेश्चंस है उन्हीं का काउंसलिंग सेशन अब तक हुआ है। न्यू अपडेट क्या आई है, ये न्यू एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड दोनों पेरेंट्स के लिए 7 डे पोर्टल नाम का न्यू ऑप्शन आया है। वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ होता है 7 डेज फॉर RI, NRI, OCI, ओके? तो ये कारा की तरफ से अपडेट ये हुआ है कि इमीडिएट प्लेसमेंट के जैसा ही ये ऑप्शन है, जो बच्चे मोर देन 7 टाइम्स या 7 टाइम्स रिजेक्टेड हुए हैं पैप्स की तरफ से मिक्स एज क्राइटेरिया में, वो बच्चे आपको दिख जाएंगे। कारा की तरफ से कौन से मंथ्स के रेफरेंस जा रहे हैं या न्यू जो अपडेट्स रहते हैं तो वो जानने के लिए आप कारा का जो ट्विटर वाला पेज है वो फॉलो कीजिए। उसकी ना मैं लिंक, ऑफिशियल पेज की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको कारा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो पता चल पाएगी, ओके? सो वहां से ना बहुत सारे नए नए अपडेट्स जो कारा करता रहता है वो वहां पे वो न्यूज आती रहती है, तो उसको कनेक्ट रही आप। बहुत सारे पेरेंट्स का सेम क्वेश्चन है कि रेफरेंस किस चीज पे डिपेंडिंग होते हैं, हमारा नंबर कहाँ तक आएगा तब हमें रेफरेंस आएगा या क्यों हमें रेफरल नहीं आ रहा है। तो रेफरल आना, अभी मैं बहुत ही गिनी चुनी बातें आपको बता रही हूँ लेकिन बहुत सारी चीजों पर डिपेंडिंग होता है रेफरल आना। फर्स्ट आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका वेटिंग लिस्ट नंबर, आपने जो स्टेट सिलेक्ट किया है या जो जोन आपने सिलेक्ट किया है उस स्टेट के अंडर कितने अवेलेबल किड्स है वो, नेक्स्ट आपका एज क्राइटेरिया, देन आपके एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जो रेफरेंस यानी बच्चे वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं वो, आपने जो जेंडर सिलेक्ट किया है वो, एंड इन सब के बाद अगर आपके एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली यानी आपके एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली बच्चे अवेलेबल होंगे तो वो लीगली फ्री भी तो होने चाहिए, तो उनकी कस्टडी अगर लीगली फ्री हो गई होगी तो वही बच्चा रेफर हो जाते हैं। तो ये सब सारे पॉइंट्स जब कंप्लीट हो जाते हैं, ये सब सर्कल जब कंप्लीट हो जाता है तब हमें रेफर आता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट क्या हुआ है, किड्स फिट फॉर एडॉप्शन विल नॉट हैव टू वेट नाउ। यानी क्या है इसके अंदर, सो सा जो होता है, जो एजेंसीज होती हैं उनको ये ऑर्डर दिया गया है कि बच्चों को लीगली कस्टडी फ्री जल्द से जल्द किया जाए। आपको ये कस्टडी फ्री का क्राइटेरिया मालूम ही होगा, बच्चे जब एजेंसी में आते हैं तो वो जिस डेट से वहाँ पे हैं उसके बाद 2 महीने तक उनकी कस्टडी फ्री नहीं कराई जाती, क्योंकि 2 मंथ्स में उनके पेरेंट्स ढूंढे जाते हैं, उनका कुछ कनेक्शन मिलता है क्या वो ढूंढा जाता है। अगर वो कनेक्शन मिल भी गया तो क्या वो तुरंत बच्चे पेरेंट्स को सौंपे नहीं जाते, तो फिर पेरेंट्स के साथ डिस्कस होता है उनको ये बच्चे क्यों नहीं चाहिए, क्या हुआ था वगैरह वगैरह वो बाकी सब कुछ, और उनमें अगर पेरेंट्स गिल्टी फाउंड हो गए तो उनकी चार्जेस वगैरह वो सारे सब कुछ अलग है। लेकिन इसलिए ये 2 महीने तक बच्चों का एज ग्रुप जो भी हो 2 मंथ्स के होने तक नहीं वो कस्टडी फ्री होते, उसके बाद कोर्ट में अप्लाई करना है, उसके बाद की जो प्रोसीजर है उसमें जो पहले टाइम बहुत ज्यादा लगता था अब वो टाइम घटाना है। ये अब ये जो सारा टोटल पीरियड था ये टाइम उन्होंने बोला है कि कम करना है, और ये जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी बच्चे लीगली कस्टडी फ्री कराने हैं। जितने ज्यादा बच्चे लीगली कस्टडी फ्री हो जाएंगे उतने ज्यादा बच्चे रेफरल्स के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, यानी ऑटोमेटिकली वेटिंग लिस्ट नंबर घटता जाएगा बहुत जल्द। नेक्स्ट अपडेट है एज लिमिट फॉर पैप्स रिड्यूस्ड टू 85 ईयर्स फॉर कपल एंड 40 ईयर्स फॉर सिंगल पैप फॉर बिलो 2 ईयर ऑफ चाइल्ड। मतलब पहले क्या था, 2 साल के अप टू 2 ईयर का चाइल्ड 90 ईयर्स के टोटल जिनकी थी उनको दिया जाता था कपल को, और सिंगल पेरेंट्स के लिए 45 था एज ग्रुप, तो अब वो कम कर दिया है, अब 85 और 40 कर दिया है, ओके? इससे भी क्या होगा, अल्टीमेटली 0 to 2 ईयर का जो वेटिंग लिस्ट नंबर है अब वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो 5 ईयर्स के गैप वाले जो पेरेंट्स हैं उनको 2 to 4 ईयर में शिफ्ट किया जाएगा ऑटोमेटिकली कारा की तरफ से, यानी उनको सिर्फ अबव 2 ईयर के ही रेफरेंस आएगा, यानी वेटिंग लिस्ट नंबर उनका कम ज्यादा नहीं होगा या आपका भी कम ज्यादा नहीं होगा, लेकिन रेफरेंस जब अवेलेबल होगा तो उनकी वजह उनके वो भले आपसे आगे होंगे लेकिन रेफरल उनको कंसिडर नहीं करेंगे, आपको कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट क्या हुआ है,
Pets with more than 2 kids do not qualify to get referral for a normal child. इसका मतलब कोई समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर ही है लाइफ की तरफ से. ओके ओके, फॉर्म फिलिंग में नेक्स्ट अपडेट क्या है? जेंडर में एक एड ऑन हो गया है. पहले क्या था? नो चॉइस बॉय गर्ल, अब अदर ये वाला ऑप्शन भी एड ऑन हो गया है, विच इज अ गुड थिंग. इसको भी एलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, सो वन रिक्वेस्ट है, आप जब लॉग इन करते हैं आपके अकाउंट में कारा पे, तो वहाँ पे लॉग इन करने के बाद ये आप देख लीजिए, स्पेशल नीड चिल्ड्रन फॉर एडॉप्शन में ये वाली जो कैटेगरीज ओपन हो जाती हैं, तो इन सभी कैटेगरीज में आप प्लीज़ एक बार ये बच्चे चेक कर लीजिए. बहुत सारे पेरेंट्स इन कैटेगरीज की तरफ देखते भी नहीं है, लेकिन एक्चुअली इन कैटेगरीज में सिर्फ स्पेशल नीड किड्स नहीं होते, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मैच्योरली बॉर्न होते हैं, मतलब अर्ली 6th, 7th, 8th, इनमें से किसी भी मंथ में उनका जन्म हुआ होता है, तो वो कोई स्पेशल नीड नहीं होते. और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत छोटी सी उनको कुछ बीमारी होती है और जो ट्रीटमेंट के बाद रिकवरेबल हो सकती है. आप वो CSR, उन बच्चों का CSR आप चेक करो और वो जो रिपोर्ट है आप आपके पीडियाट्रिशियन को दिखाइए. अगर उन डॉक्टर ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बच्चे एक्सेप्ट करने में. क्योंकि देखिए, हमारे अगर बायोलॉजिकल किड्स होंगे और उनको अगर आफ्टर बर्थ कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ी ना नहीं बोलेंगे. ट्रीटमेंट करने से अगर बच्चा हेल्दी हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है. लाइफ थ्रेटनिंग अगर कुछ बीमारी होगी तो ठीक है, डरना जायज़ है, मतलब डर तो सबको लगता है, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग अगर कुछ बीमारी नहीं है और रिकवरेबल डिजीजेस है तो प्लीज़ गो अहेड, दिल थोड़ा सा बड़ा कीजिए. एंड वन मोर थिंग, ये जो स्पेशल नीड कैटेगरीज हैं यहाँ पे एज क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है. हो सकता है आपका बेबी है वो आपको इन्हीं कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में ज़रूर मिल जाएगा. लास्ट कोई अपडेट नहीं है, बहुत बार ही आता है ये क्वेश्चन, व्हाट टू राइट इन मोटिवेशन फॉर एडॉप्शन. एक दो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि उनका वो मोटिवेशन फॉर एडॉप्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहे. ऐसे नहीं होता जनरली, लेकिन आप मोटिवेशन में क्या डाल सकते हो, आपका जेन्युइन रीजन डालो आप एडॉप्शन की प्रोसीजर का. हमने भी वही डाला था एंड वो एक्सेप्ट हो गया था. और इसके अलावा क्यों और कुछ डालना है, आपका जो भी जेन्युइन रीजन होगा, आप क्यों अडॉप्ट करना चाहते हो वो रीज़न आप डालो. आपकी शादी को कितने साल हुए हैं और फिर आप क्यों अडॉप्ट करना चाहते हो. स्पेसिफिकली अगर आपने कोई जेंडर डाला है तो वही जेंडर आप क्यों लेना चाहते हो, वो आपके हिसाब से आपके रियल रीजंस अगर वहाँ पे डालोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे. और ये बहुत ही ईजी है. एंड नेक्स्ट, इलीगल अडॉप्शन वाला मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो अगर टाइम मिले तो देख लेना एक बार वो वीडियो, क्योंकि उसमें सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद भी बहुत लोगों की ये क्यूरी आती है कि बहुत लोग क्या होते हैं कि बहुत लेट आते हैं ना एडॉप्शन की प्रोसीजर में, जिनकी शादी को 20 साल हुए हैं, 17 साल हुए हैं, तो उनको पता है कि उनको बड़े ही एज ग्रुप का बच्चा मिलेगा कारा की तरफ से, तो उन्हें चाहिए छोटा बेबी. तो फिर उनको लगता है कि 0 to 2 years का बेबी हमें चाहिए, कारा तो दे नहीं रहा, फिर हम इलीगली क्यों ना अडॉप्ट करें. तो वैसे पेरेंट्स भी बहुत मेल कर रहे हैं, तो मत करो. उसका रीजन क्या है वो मैंने इस वाले वीडियो में क्लियर समझाया है. ओके, तो वो वीडियो आप देख लो. और मैं तो इलीगल एडॉप्शन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म वाला एडॉप्शन है ही नहीं. सिर्फ 2 या 4 साल के लिए या 17-18 साल के लिए आप सिर्फ पेरेंट बन जाओगे, उसके आगे का क्या. सो लॉन्ग टर्म सोचो, बच्चा एडॉप्ट करना है, खरीदना नहीं है कहीं से भी. इसलिए डिपेंड्स ऑन यू कम्प्लीटली, बट इलीगल एडॉप्शन सेफ बिल्कुल नहीं है. पहली बात तो बच्चे के लिए सेफ नहीं है, सेकेंडली आपके लिए भी सेफ नहीं है, आपके फैमिली के लिए भी सेफ नहीं है. और इलीगल एडॉप्शन के रिगार्डिंग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत सारी जगहों पे रैंडमली मैसेजेस आ जाते हैं, सभी को आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं. तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एक्चुअल कारा की तरफ से, कारा को टाइम ही नहीं है रेफरेंस देने में, तो वो कहाँ खुद से आपको मैसेज करके बोलेंगे कि हम लीगली अडॉप्ट कर रहे हैं. और कोई भी SAA यानी कोई भी SAAA यानी कोई भी एजेंसी खुद से प्रमोट नहीं करती कि हमारे पास किड्स हैं लीगली आप अडॉप्ट करो, उनको वो अथॉरिटी ही नहीं है. वो कारा के अंडर रजिस्टर्ड है, तो वो कारा ही डिसाइड करेगा. ओके, सो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस के थ्रू ही जाओ, बहुत सेफ है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. तो अडॉप्शन के अलावा भी मैं बहुत सारी वीडियोज डालती रहती हूँ, आई होप आप वो भी वीडियोज देख रहे हैं, उन वीडियोज को भी लाइक कर रहे हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल देन. Bye.